पहले मैं इन डाउट्स को डिस्कस कराता हूं इन द सेम ऑर्डर जो इस समय बोर्ड पर लिखे हुए हैं। आप तेजी से इन प्रॉब्लम्स को पढ़ते भी जाइए, इमीडिएटली अभी के अभी इन प्रॉब्लम पर एक अटेम्प्ट भी लगाते जाइए और फिर इनको सॉल्व करने का तरीका। देखिए जब हम प्रॉब्लम डिस्कस करवा रहे हैं तो तीन चीजें इंपॉर्टेंट होती है। सबसे पहला प्रॉब्लम रीडिंग एंड प्रॉब्लम ग्रैस्पिंग। जो पहला पार्ट होता है कि प्रॉब्लम को सही तरीके से पहले रीड करें और उसको सही तरीके से ग्रैस्प करें और उसमें दिए गए डेटा को सही तरीके से समझें और यह समझें हमसे क्या पूछा गया है। सबसे पहला यह पार्ट होता है। दूसरा पार्ट होता है डेवलपिंग द कंसेप्ट, डेवलपिंग द लॉजिक, उस प्रॉब्लम के फंडामेंटल को समझना और उसमें क्या कंसेप्ट अप्लाई करा जाना है इस बात को सोचना, पढ़ाई गई थ्योरी को रिलेट करना, यह समझना इसमें कौन सी थ्योरी अप्लाई होगी इस बात को समझना। और तीसरा पार्ट होता है प्रॉब्लम में कंसेप्ट डेवलप करने के बाद फिर उसको सही तरीके से सॉल्व करके यू लैंड अप विद द करेक्ट आंसर विदाउट एनी एरर। तीनों ही पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तीनों पार्ट में कहीं पर भी गलती हो जाए तो हमने ढेर पढ़ाई कर रखी है मगर हम मार्क्स नहीं ला पाते। सबसे पहला पार्ट प्रॉब्लम को बहुत अच्छी तरह से पढ़ा जाना, अच्छी तरह समझा जाना। यदि हम अच्छी तरह नहीं पढ़ रहे हैं, ग्रैस्प नहीं कर रहे हैं, समझ नहीं रहे, हमने कुछ समझने में ही गलती छोड़ दी तो फिर आगे हम कैसे उसको सही से सॉल्व करेंगे। फिर इसके बाद जो पढ़ाई गई थ्योरी को सही से रिलेट करना, यदि वो हम रिलेट नहीं कर पा रहे हैं तो वंस अगेन हमारी जो टॉपिक को सीखा समझा है वो अधूरा है। और पहले दोनों काम कर लिए मगर हम सॉल्व करने में गलती कर देते हैं, हम सही आंसर तक नहीं पहुंच पाते हैं, हम सिली मिस्टेक कर देते हैं तो वंस अगेन सारी मेहनत साल भर पढ़ाई की और एग्जामिनेशन में दिया गया समय वो सब व्यर्थ हो जाता है यदि हम उसको सही से सॉल्व करके सही आंसर नहीं ला पाए। ये तीनों ही पार्ट हम इस समय सीखेंगे। देखिए फिफ्थ प्रॉब्लम, कैलकुलेट द हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एल्यूमिनियम एनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड Al2Cl6 फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। सबसे पहले यह पढ़ते से ही हमने यह नोट कर लिया कि हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एनहाइड्रस Al2Cl6 हमें डिटरमाइन करना है। अब इसी समय यह सोच लो कि एनहाइड्रस Al2Cl6 इसका एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, इसका हीट ऑफ फॉर्मेशन आखिर होगा क्या। इस तरह की कोई रिएक्शन लिखी जाए ट्वाइस Al इन सॉलिड स्टेट प्लस 3Cl2 इन गैसियस स्टेट gives you Al2Cl6 सॉलिड। इस तरह की कोई रिएक्शन यदि बन जाए तो इस रिएक्शन की एंथैल्पी को ही हम एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन कहेंगे। अब इस रिएक्शन की एंथैल्पी जिसको हम एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन कह रहे हैं इसे हमें डिटरमाइन करना है। इसे डिटरमाइन करने के लिए हमें डेटा नीचे दे दिया गया और नीचे कुछ रिएक्शंस दे दी गई है। हमें प्रॉब्लम इज बेस्ड ओवर द कंसेप्ट ऑफ हेस लॉ। नीचे चार रिएक्शंस दी गई है, इन चार रिएक्शंस को हमको प्रॉपरली एड और सब्सट्रैक्ट करना है। जब हम इन रिएक्शन को प्रॉपरली एड और सब्सट्रैक्ट कर लेंगे तो ऑटोमेटिकली डिजायर्ड रिएक्शन बन जाएगी और जब डिजायर्ड रिएक्शन बन जाएगी तो ऑटोमेटिकली हमें डिजायर्ड रिएक्शन की एंथैल्पी भी मिल जाएगी। वाकई में तो यह एक वर्बल प्रॉब्लम है, इस समय मैं ढेर सारी बात सिर्फ इसलिए लिख रहा हूं कि आपको समझाना है, अन्यथा यदि मुझे यह एग्जामिनेशन में दिया जाता तो मैं कुछ भी नहीं लिखता, सिर्फ देखता और इधर चार पांच शब्द लिखता, एड और सब्ट्रैक्ट करता और आंसर देता। दिस इज अ वर्बल प्रॉब्लम इनफैक्ट, ओरल प्रॉब्लम। देखिए पहली रिएक्शन में ट्वाइस Al इन सॉलिड स्टेट 6HCl in aqueous state giving you Al2Cl6 in aqueous state plus 3H2 in gaseous state। हमें फिजिकल स्टेट लिखना मैंडेटरी होता है
इनफैक्ट फिजिकल स्टेट पर ध्यान देना मैंडेटरी होता है। ट्वाइस एयर सॉलिड स्टेट में ये हमें वही फिजिकल स्टेट दिख रहा है जो डिजायर्ड रिएक्शन में हमें चाहिए। Al2Cl6 इसका जो फिजिकल स्टेट एक्वस स्टेट में दिख रहा है, दिस इज नॉट द डिजायर्ड फिजिकल स्टेट ऑफ द प्रोडक्ट। इसे हमें रिमूव करना पड़ेगा। इसे रिमूव करने के लिए हमें आगे की कुछ और रिएक्शंस भी दी हुई है। H2 गैस प्लस Cl2 गैस गिव्स यू ट्वाइस HCl गैस, और इसकी एंथैल्पी है -44 कैलोरी। थर्ड HCl गैस प्लस एक्वेस गिव्स यू HCl एक्वेस, एंथैल्पी ऑफ दिस रिएक्शन गिवन इज -17.5 किलो कैलोरीज। इनफैक्ट जब मैं यहां लिख रहा हूं, आई सिंपली टेलिंग यू कि आप इन सभी चीजों को बड़े ध्यान से देखो कि वहां पर यह कैसा दिया हुआ है, और इन सभी की एंथैल्पी को वैल्यूज को नोट डाउन कर लो। अब देखो, इफ सच टाइप ऑफ प्रॉब्लम अपीयर्स इन योर 11th स्टैंडर्ड एग्जामिनेशन, तो हमें डिटेल्ड सॉल्यूशन लिखना होता है कि हम क्या कर रहे हैं। बट इफ सच प्रॉब्लम अपीयर्स इन कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन AIIIT, तो वहां सॉल्यूशन नहीं लिखा, हमको तो सिर्फ देखकर बताना है कि क्या हो रहा है। देखिए, हमें दो एल्यूमिनियम रिएक्टेंट साइड चाहिए, टू एल्यूमिनियम इन सॉलिड स्टेट। टू एल्यूमिनियम इन सॉलिड स्टेट मुझे यहां पर दिख रहा है, टू एल्यूमिनियम इन सॉलिड स्टेट। तो मैं पहली रिएक्शन को तो एज इट इज लूंगा। अब थ्री क्लोरीन इन गैसियस स्टेट, थ्री क्लोरीन इन गैसियस स्टेट जो कि मुझे इधर से दिख रहा है, तो दूसरी रिएक्शन को मैं थ्री से मल्टीप्लाई करके ऐड करूंगा, प्लस थ्री टाइम्स सेकेंड रिएक्शन। Al2Cl6 सॉलिड स्टेट में मुझको प्रोडक्ट साइड चाहिए, Al2Cl6 सॉलिड स्टेट में मुझे प्रोडक्ट साइड चाहिए, तो मैं फोर्थ रिएक्शन को सब्सट्रैक्ट करूंगा, माइनस फोर्थ रिएक्शन। अब जब मैं यह काम करूंगा तो देखिए क्या होगा वहां पर। मैं अब इधर ही ट्रीटमेंट करता हूं। आई विल चेंज द कलर ऑफ चॉक। Al2Cl6 इसको माइनस करा तो इसके आगे माइनस साइन आ गया, और इसके आगे भी माइनस साइन आया। अब आप सोचिए कि इधर थ्री टाइम्स करके मैंने ऐड करा है, यह थ्री और यह सिक्स हो गया, थ्री हाइड्रोजन कैंसिल हो जाएंगे। अब हमें 6HCl जो गैसियस स्टेट में दिखने लगा है, और इधर 6HCl एक्वस स्टेट में दिखने लगा है, ये HCl हमें हटाना है, तो हमें तीसरी रिएक्शन जो दी हुई है इसे 6 से मल्टीप्लाई करके मैं ऐड कर देता हूं। तीसरी रिएक्शन को, थर्ड रिएक्शन को, आई विल मल्टीप्लाई इट बाय 6 एंड आई विल ऐड इट। तो इससे क्या होगा, यह 6HCl इन एक्वस स्टेट एंड दिस 6HCl इन एक्वस स्टेट कैंसिल हो जाएंगे। ऑल्सो दिस 6HCl इन गैसियस स्टेट, दिस 6HCl इन गैसियस स्टेट ये कैंसिल हो गए, और माइनस Al2Cl6 एक्वस माइनस ये प्लस Al2Cl6 एक्वस, ये सारी टर्म्स गायब हो गई, और इधर प्लस एक्वस है, इधर माइनस एक्वस, तो वाटर भी गायब हो गया। बचा क्या रह गया, ट्वाइस एल्यूमिनियम इन सॉलिड स्टेट, थ्राइस क्लोरीन इन गैसियस स्टेट एंड Al2Cl6 इन सॉलिड स्टेट। व्हेन वी डू दिस ऑपरेशन वी ऑब्टेन दिस रिएक्शन।
यह ऑपरेशन करने से हमें यह रिएक्शन मिल जाती है ट्वाइस एल इन सॉलिड स्टेट प्लस थ्राइस सी एल टू इन गैसियस स्टेट गिव्स यू एल टू सी एल सिक्स इन सॉलिड स्टेट. बाय डूइंग दिस ऑपरेशन वी ऑब्टेन the desired reaction. Now, Hess law says thermochemical equations may be added or subtracted algebraically and so do is the enthalpy. हमने इन reactions को add और subtract कर लिया, algebraically add और subtract कर लिया, जैसे चाहा वैसे add और subtract कर लिया, जिस factor से चाहा उस factor से multiply करके हमने इन्हें ऐड और सब्सट्रैक्ट कर लिया है और हमें यह रिएक्शन मिल गई. अब हम कहते हैं बिल्कुल इसी तरह से हम इनकी एंथैल्पीज को भी ऐड और सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं. हमें इस रिएक्शन की एंथैल्पी मिल जाएगी जिस तरह से हमने रिएक्शंस को ऐड और सब्सट्रैक्ट कराया उसी तरह से हम एंथैल्पी को भी ऐड और सब्सट्रैक्ट कर लें. पहली रिएक्शन मतलब ऐसी कैसी पहली रिएक्शन की एंथैल्पी माइनस 240 प्लस 3 टाइम्स सेकेंड रिएक्शन प्लस 3 टाइम्स माइनस 44 माइनस फोर्थ रिएक्शन माइनस ऑफ माइनस 153.7 प्लस 6 टाइम्स थर्ड रिएक्शन प्लस 6 टाइम्स थर्ड रिएक्शन. This much kilocalories. This is the enthalpy of desired reaction. This is the enthalpy of formation of Al2Cl6. Al2Cl6 का यह enthalpy of formation कहा जाना चाहिए. The problem is over the application of Hess law. A simple problem. आप 11th क्लास में करेंगे तो ये सब कुछ लिखें, मगर जब कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन में आता है तो पूरी तरह से वर्बल प्रॉब्लम है. सीधा यह चीज लिखी जाती है देखकर डेल्टा एच इक्वल टू, सीधा सीधा एकदम से लिखने लगता है कि पहली रिएक्शन को ऐसा कैसे ऐड लिखना है, तीसरी रिएक्शन को 3 से मल्टीप्लाई करके ऐड कर दें तो तीसरी रिएक्शन की एंथैल्पी को हम सीधा मल्टीप्लाई करके ऐड करते हैं, फिर एकदम से देखते हैं कि फोर्थ रिएक्शन को सब्सट्रैक्ट करना चाहिए. जब आप प्रैक्टिस करोगे तो यह काम आप फिर वर्बली देखते से ही करने लगोगे, आपको फिर बार बार लिखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी. यू जस्ट नीड टू प्रैक्टिस 10 or 12 प्रॉब्लम्स, 10-12 प्रॉब्लम करने के बाद आप इनको बड़ा स्मूथली करना चालू कर दो. एट्थ प्रॉब्लम, नोट इट डाउन. In eighth problem, calculate the heat of combustion of carbon monoxide at constant volume. Given the following heat of reaction at constant pressure. देखिए हमसे क्या पूछा गया, heat of combustion of carbon monoxide. सबसे पहले problem में दिए गए data को समझना. Calculate the heat of combustion of carbon monoxide. Carbon monoxide का heat of combustion. कार्बन मोनोक्साइड इज CO, इट्स अ गैस, इट गेट ऑक्सीडाइज्ड, इट बर्न्स इन प्रेजेंस ऑफ हाफ ओ टू टू गिव यू कार्बन डाइऑक्साइड. हीट ऑफ कंबस्टन ऑफ कार्बन मोनोक्साइड, दिस इज कंबस्टन ऑफ कार्बन मोनोक्साइड एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम. कॉन्स्टेंट वॉल्यूम पर हीट ऑफ कंबस्टन डेल्टा क्यू एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम, हमने सीख रखा है कि यह डेल्टा ई होता है. कॉन्स्टेंट प्रेशर पर डेल्टा क्यू जो होता है वह डेल्टा एच होता है, मगर कॉन्स्टेंट वॉल्यूम पर जो आपको डेल्टा ई हीट ट्रांसफर दिखता है वो डेल्टा ई, चेंज इन इंटरनल एनर्जी. यह हमसे पूछा गया है. अब
गिवन द फॉलोइंग हीट ऑफ रिएक्शन एट कॉन्स्टेंट प्रेशर एट 17 डिग्री सेंटीग्रेड. अब जो गिवन डेटा है एट 17 डिग्री सेंटीग्रेड, अब देखिए वहां पर जो दिया है C प्लस O2 gives you CO2 प्लस 97. अब देखिए डेटा इस तरह से दे रखा है CO2 प्लस C गिविंग यू ट्वाइस CO माइनस 39 कैलोरीज. अब ये जो डेटा इस तरीके से दे रखा है, सबसे पहले हमें इस डेटा को सही तरीके से रख लेना चाहिए. दिस इज नॉट द स्टैंडर्ड मेथड ऑफ राइटिंग अ थर्मोकेमिकल इक्वेशन. ये थर्मोकेमिकल इक्वेशन को लिखने का स्टैंडर्ड तरीका नहीं है, तो रिजेक्टेड और आउटडेटेड तरीका. 17 डिग्री सेंटीग्रेड पर एट कॉन्स्टेंट प्रेशर, 17 डिग्री सेंटीग्रेड पर कॉन्स्टेंट प्रेशर पर यह रिएक्शन दे रखी है. अब हम सबसे पहले इसको सही तरीके से लिख लेते हैं. दिस इज अ प्रॉपर वे ऑफ राइटिंग थर्मोकेमिकल इक्वेशन. सी प्लस ओ टू गिविंग यू CO2 एंड प्लस 97 कैलोरीज जो दे रखा है, इसका मतलब हीट 97,000 कैलोरीज हीट लिबरेट हो रही है प्रोडक्ट साइड में है. इसका मतलब हम लिखेंगे डेल्टा एच इक्वल टू माइनस 97 किलो कैलोरीज. दूसरी रिएक्शन CO2 प्लस C गिविंग यू ट्वाइस CO एंड डेल्टा एच. अब इधर माइनस 39,000, इसका मतलब जाके प्लस हुआ, मीन दिस एंडोथर्मिक रिएक्शन प्लस 39 किलो कैलोरीज पर मोल. अब मैंने डेल्टा एच क्यों लिखा? डेल्टा एच मैंने इसलिए लिखा क्योंकि प्रॉब्लम में दे रखा है एट कांस्टेंट प्रेशर, 17 डिग्री सेंटीग्रेड पर कांस्टेंट प्रेशर पर यह हीट ट्रांसफर है. हियर हीट इज बीइंग लिबरेटेड एंड हियर हीट इज बीइंग एब्जॉर्ब्ड. यह उन्हें 39,000 दे रखा है जिसको हमने 39 किलो कैलोरीज दे दिया, 39,000 कैलोरीज. यह दी गई रिएक्शन को सबसे पहले हमने सही तरीके से इधर लिख दिया, एक स्टैंडर्ड थर्मोकेमिकल इक्वेशन जो लिखने का तरीका है उस तरीके से. अब यह तो पहली रिएक्शन, यह दूसरी रिएक्शन. अब वंस अगेन हेस लॉ सेज दैट रिएक्शंस मे बी एडेड और सब्सट्रैक्टेड अल्जेब्रिकली. रिएक्शंस को हम अल्जेब्रिकली एड भी कर सकते हैं और सब्सट्रैक्ट भी कर सकते हैं. कैसे करेंगे जरा देखिए, हमें यह रिएक्शन ऑब्टेन करना है CO2 प्रोडक्ट साइड. CO2 प्रोडक्ट साइड में ऑब्टेन करना है और हमें ऑब्टेन करना है कार्बन मोनोऑक्साइड रिएक्टेंट साइड में. इन दोनों रिएक्शंस को हम क्या करते हैं, आई मल्टीप्लाई अ कार्बन मोनोऑक्साइड ऑन रिएक्टेंट साइड, मींस आई मल्टीप्लाई सेकेंड रिएक्शन बाय हाफ, आई मल्टीप्लाई सेकेंड रिएक्शन बाय माइनस हाफ. मैं इस रिएक्शन को माइनस हाफ से मल्टीप्लाई करता हूं और पहली रिएक्शन में ऐड कर देता हूं. माइनस हाफ से मल्टीप्लाई करके पहली रिएक्शन में ऐड करा, फिर थ्रू आउट उस रिएक्शन को ट्रीट करूंगा. जरा ध्यान से देखो, क्योंकि मुझे कार्बन मोनोऑक्साइड
का एक मॉलिक्यूल रिएक्टेंट साइट चाहिए और कार्बन मोनोक्साइड इसके अलावा मुझे और कहीं दिख ही नहीं रहा है। इसका एक मॉलिक्यूल चाहिए तो इधर टू का फिगर दिखा है, मैं हाफ से मल्टीप्लाई करूंगा तो इसका कोफिशिएंट वन हो जाएगा, और इसको रिएक्टेंट साइड चाहिए इसलिए मैं माइनस हाफ से मल्टीप्लाई करता हूं। इसके बाद मैं पहली रिएक्शन को हाफ से मल्टीप्लाई करके ऐड करता हूं, पहली रिएक्शन को हाफ से मल्टीप्लाई करके ऐड कर रहा हूं इस रिएक्शन को हाफ से। सो व्हाट आई एम डूइंग इज फर्स्ट रिएक्शन इनटू हाफ माइनस सेकेंड रिएक्शन इनटू हाफ, आई एम डूइंग दिस ऑपरेशन। अब ऐसा ऑपरेशन करने से अब देखिए हमें रिएक्शन क्या मिल रही है, मुझे मिल जाएगा कार्बन मोनोऑक्साइड ऑन प्रोडक्ट साइड ऑन रिएक्टेंट साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड इन गैसियस स्टेट एंड बेसाइड इट आई विल गेट कार्बन पूरी तरह से कैंसिल हो जाएगा, कार्बन पूरी तरह से कैंसिल हो जाएगा, हाफ ऑक्सीजन रिएक्टेंट साइड दिखने लगेगा और कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड इधर से हाफ आया और इधर से माइनस कार्बन डाइऑक्साइड पूरा एक मॉलिक्यूल दिखने लगेगा। मींस आई विल गेट द डिजायर्ड रिएक्शन विद दिस ऑपरेशन। इस तरीके से मुझे डिजायर्ड रिएक्शन मिल जाएगी जो मुझे चाहिए। अब द कंसेप्ट ऑफ हैस लॉस इज इन दोनों रिएक्शंस में हमने जिस तरह से एडिशन सब्सट्रैक्शन करा है बिल्कुल उसी तरह से एंथैल्पी को भी ट्रीट कर दिया जाए तो हमें इस रिएक्शन की एंथैल्पी मिल जाएगी। एंथैल्पी ऑफ दिस रिएक्शन वुड बी हाफ ऑफ माइनस 97 माइनस हाफ ऑफ प्लस 39। दिस इज एंथैल्पी ऑफ डिजायर्ड रिएक्शन माइनस 97 माइनस 39 बाय 2 किलो कैलोरीज पर मोल, यह एंथैल्पी। बट इज दिस द आंसर? नो, दिस इज नॉट द आंसर। हमसे डेल्टा एच नहीं पूछा गया है, हमसे पूछा गया है हीट ट्रांसफर ड्यूरिंग द रिएक्शन एट कांस्टेंट वॉल्यूम, डेल्टा ई पूछा गया है। हम डेल्टा ई डिटरमाइन करते हैं। ये तो अभी हमने जो हैस लॉ अप्लाई करके निकाला है, डेल्टा एच ए मींस हीट ट्रांसफर एट कांस्टेंट प्रेशर, यही ट्रांसफर एट कांस्टेंट प्रेशर। अब डेल्टा एच और डेल्टा ई में रिलेशनशिप हम जानते हैं, डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा ई प्लस डेल्टा एन जी आर टी। डेल्टा एन जी डिफरेंस इन कोएफिशिएंट ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स, वहां पहले निकाल लें, दिस इज अ गैस, दिस इज अ गैस, दिस इज ऑल्सो गैस, सो वन माइनस वन प्लस वन बाय टू, दिस माइनस वन बाय टू। डेल्टा एन जी, अब डेल्टा एच की जगह पर मैं लिख दूं 97 प्लस 39 माइनस 97 प्लस 39 बाय टू प्लस डेल्टा ई मुझे डिटरमाइन करना है प्लस डेल्टा एन जी की जगह माइनस 1 बाय टू आर की क्या वैल्यू इस्तेमाल की जाए। R की तीन वैल्यू हमें पता है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट की तीन वैल्यू हमें पता है, 0.0821 लीटर एटमॉस्फियर पर मोल पर डिग्री केल्विन,
8.31 जूल्स पर मोल पर डिग्री केल्विन, 2 कैलोरीज पर मोल पर डिग्री केल्विन। इस जगह पर आर की कौन सी वैल्यू सब्स्टिट्यूट की जानी चाहिए? क्या इस जगह पर हम 0.0821 इस्तेमाल करें या 8.31 इस्तेमाल करें या 2? ध्यान रहे सारा डेटा किलो कैलोरीज में दे रखा है, तो हमें आर की वैल्यू भी किलो कैलोरीज में ही इस्तेमाल करनी होगी। इस जगह पर हमें सब कुछ, इधर जो कैलोरीज में था हमने उसको किलो कैलोरीज में लिख दिया और सारा काम हम किलो कैलोरीज में कर रहे हैं, तो आर की वैल्यू भी, वाइल सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यूज इन एनी एक्सप्रेशन वी नीड टू चूज इट्स प्रॉपर वैल्यू अलॉन्ग विथ प्रॉपर यूनिट्स, खासकर आर के साथ। आर यूनिवर्सल गैस कॉन्स्टेंट, तो हमेशा इसकी वैल्यू और यूनिट पर हमेशा ध्यान दिया जाता है जब भी इसको सब्स्टिट्यूट करना होता है। इधर यह किलो कैलोरीज में है, तो आर की वैल्यू किलो कैलोरीज में क्या होती है? द वैल्यू ऑफ आर इन किलो कैलोरीज इज 2 × 10⁻³। 2 कैलोरीज है मींस 2 × 10⁻³ किलो कैलोरीज पर मोल पर डिग्री केल्विन, और टेम्परेचर 17 डिग्री सेंटीग्रेड है, मतलब 290 केल्विन। इस तरीके से हम डेल्टा ई की वैल्यू लिख देंगे −97.39/2 290 × 10⁻³ किलो कैलोरीज पर मोल। दिस इज द डिजायर्ड वैल्यू जो हमसे इस प्रॉब्लम में पूछी गई है। देखिए सॉल्व कर लीजिए। आई विल सॉल्व 9th प्रॉब्लम नाउ। 9th प्रॉब्लम, कैलकुलेट द बॉन्ड एनर्जी ऑफ सी डबल बॉन्ड सी फ्रॉम द फॉलोइंग रिएक्शन। यह रिएक्शन दे रखी है, इथिलीन प्लस हाइड्रोजन गिव्स यू इथेन, डेल्टा एच है −30 किलो कैलोरीज, और बॉन्ड एनर्जी दे रखी है, बॉन्ड एनर्जी ऑफ सीसी बॉन्ड, सीएच बॉन्ड और एचएच बॉन्ड इज 83, 99, 104, ऑल दिस इन किलो कैलोरी पर मोल, और बॉन्ड एनर्जी ऑफ सी डबल बॉन्ड सी पूछा है। नाउ दिस प्रॉब्लम इज ओवर द सिंपल कंसेप्ट ऑफ बॉन्ड एनर्जी, जो हमने कहा है किसी भी रिएक्शन की एंथैल्पी को बॉन्ड एनर्जी के टर्म्स में लिखा जा सकता है। मैं प्रॉब्लम पहले एक और बार समझाता हूं कि उन्हें क्या दिया है और क्या पूछा है। उन्हें पूछा है बॉन्ड एनर्जी ऑफ सी डबल बॉन्ड सी, सी डबल बॉन्ड सी बॉन्ड, इसकी एनर्जी हमसे पूछी गई है। एंड दे हैड सेड दैट इफ वी कंडक्ट दिस रिएक्शन, दिस हाइड्रोजनेशन ऑफ इथिलीन, इस रिएक्शन में, दिस रिएक्शन इज कॉल्ड हाइड्रोजनेशन ऑफ इथिलीन और इथीन। इधर इथिलीन है, इसमें एक हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल ऐड हो रहा है टू गिव यू इथेन, और इसकी एंथैल्पी दी, और इसकी एंथैल्पी देने के साथ साथ उन्हें बॉन्ड एनर्जी यह सब दे रहे। जैसे ही यह प्रॉब्लम पड़ा हमारे दिमाग में एकदम से आ जाना चाहिए द प्रॉब्लम इज ओवर द कंसेप्ट ऑफ बॉन्ड एनर्जी, और इस प्रॉब्लम में जो कंसेप्ट लगाना है दैट इज एंथैल्पी ऑफ एनी रिएक्शन इज समेशन ऑफ बॉन्ड एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट माइनस समेशन ऑफ बॉन्ड एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट।
यह कंसेप्ट लगाना। अब इस कंसेप्ट को लगाते समय हमें सभी रिएक्टेंट और सभी प्रोडक्ट में किस तरह के बॉन्ड है वह पता होना जरूरी है। हम इसी रिएक्शन को जरा सही तरीके से लिख लें जिससे कि हमें सारे रिएक्टेंट के बीच में बॉन्ड्स दिखने लगे। इधर एक अच्छी बात है कि सभी गैसियस स्टेट में है, इसलिए कोई वेपोराइजेशन या सब्लिमेशन जैसे कंसेप्ट तो आना ही नहीं है। इथिलीन, इस मॉलिक्यूल को सही तरीके से लिख लिया, और हाइड्रोजन, इस मॉलिक्यूल को और इथेन, इस तरह से हमने यह रिएक्शन लिख ली। अब हमें सारे सारे बॉन्ड दिख रहे हैं। अब मैं इस कंसेप्ट को लगा देता हूं, एंथैल्पी ऑफ दिस रिएक्शन इज 4 टाइम्स बॉन्ड एनर्जी ऑफ CH बॉन्ड प्लस बॉन्ड एनर्जी ऑफ C डबल बॉन्ड C प्लस बॉन्ड एनर्जी ऑफ HH। यह रिएक्टेंट की बॉन्ड एनर्जी हो गई 4 टाइम्स बॉन्ड एनर्जी ऑफ CH बॉन्ड, क्योंकि 4 CH बॉन्ड है, बॉन्ड एनर्जी ऑफ C डबल बॉन्ड C प्लस बॉन्ड एनर्जी ऑफ HH। यह रिएक्टेंट की बॉन्ड एनर्जी हो गई। अब प्रोडक्ट की बॉन्ड एनर्जी माइनस 6 टाइम्स बॉन्ड एनर्जी ऑफ CH बॉन्ड प्लस बॉन्ड एनर्जी ऑफ CC बॉन्ड। बस सब सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है, अपने आप जो चाहिए वो हमें आ जाएगा। डेल्टा एच की जगह हम रखते हैं माइनस 30 किलो कैलोरीज इज इक्वल टू 4 टाइम्स बॉन्ड एनर्जी ऑफ CH, 4 टाइम्स बॉन्ड एनर्जी ऑफ CH 99 प्लस बॉन्ड एनर्जी ऑफ C डबल बॉन्ड C तो हमें निकालना ही है प्लस बॉन्ड एनर्जी ऑफ HH 104 माइनस 6 टाइम्स बॉन्ड एनर्जी ऑफ CH 99 प्लस बॉन्ड एनर्जी ऑफ CC 86। सॉल्व दिस इक्वेशन फॉर बॉन्ड एनर्जी ऑफ C डबल बॉन्ड C जो हमसे पूछा गया है।